नहीं है। आईडी जेई 1996 की है प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10 ए, द मासेस ऑफ दिस स्टार्स आर एम एंड 16 एम। यहां हम लेते हैं एम, यहां हम लेते हैं 16 एम, और यह सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस लेते हैं 10 ए। फिलहाल आगे पढ़ते हैं, एंड देयर रेडी ए एंड 2 ए रेस्पेक्टिवली, इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है 2 ए। अ बॉडी ऑफ मास एम इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लार्जर स्टार टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द स्मॉलर स्टार। स्मॉल एम मास यहां से फायर किया जाता है टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ स्मॉल स्टार, और यह लार्जर स्टार की सर्फेस है, मास एम है यहां पर। वॉट शुड बी इट्स मिनिमम इनिशियल स्पीड टू रीच द सर्फेस ऑफ द स्मॉलर स्टार, इसकी मिनिमम स्पीड क्या हो कि यह स्मॉलर स्टार की सर्फेस तक पहुंच जाए। ऑप्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जी एम एंड ए। एक बात हम सबसे पहले अच्छे से समझ लें, यह क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस क्वेश्चन से आपके पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के जो रिलेशन है वो और अच्छे से समझ में आते हैं। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फोर्स जीरो होगा, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे कहूंगा वो जीरो होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी इसका मतलब यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर फोर्स जीरो होगा, इन दोनों के कारण उस पर लगने वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मास एम को मैं यहां रखता हूं थोड़ी देर के लिए तो इसके कारण जो अट्रैक्शन है वह इसके कारण अट्रैक्शन के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब मास एम को यदि आप यहां रखें तो इसके कारण अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, यहां रिजल्टेंट फोर्स देखें तो वह जीरो होगा और यहां पर रिजल्टेंट फोर्स देखें तो वह नॉन जीरो होगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स बिगर स्टार होगी। और ऑब्वियसली यहां अगर देखें इस लाइन पर, यहां कहीं देखें, हमने यहां देखा है, अब इस लाइन पर कहीं इस पॉइंट पर देखते हैं तो यहां रिजल्टेंट फोर्स ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स स्मॉलर स्टार होगी क्योंकि अब इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। यानी यह पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, न्यूट्रल पॉइंट हो गया, आपको इस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचाना है एटलीस्ट। और यह तो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, अगर मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पॉइंट पर मास एम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और पार्टिकल किधर जाना चाहता है, जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। यानी अगर पार्टिकल यहां है तो इधर नहीं जाना चाहेगा वो, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इधर मिनिमम होगी तो वो इधर जाना चाहेगा, और अगर इस पॉइंट तक पहुंच गया और आगे चले गया तो फिर उसको इधर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी, यानी कम मिलेगी एज कंपेयर टू दिस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। यानी पार्टिकल अगर यहां है तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, अगर वो इधर गया तो फिर इधर जाएगा टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो यहां से इधर आ गया तो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यह हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट है। तो यहां नहीं रहना चाहता, यहां से फोर्स की डायरेक्शन ही बताती है, फोर्स की डायरेक्शन उधर ही होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी लोअर है। इसका मतलब फोर्स हमेशा टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी एक्ट होगा, हमें इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना होगी। यानी यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वह हमें फाइंड करना होगा, और इतनी काइनेटिक एनर्जी इसे इनिशियली प्रोवाइड करना होगी के ई सपोज। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यह पॉइंट तो फाइंड करना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो यह पॉइंट फाइंड करने का तरीका यह है कि यहां से डिस्टेंस हम एक्स लेते हैं सेंटर से, और इससे डिस्टेंस हो जाएगी 10 ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 10 ए है, माइनस एक्स। तो यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों के कारण इक्वल होगा, डायरेक्शंस अपोजिट होगी, तो मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं हम, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके कारण यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा जी 16 एम अपॉन 10 ए माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल करते हैं जी जी एम एम, और इसे फिर से लिखते हैं, यह हो जाएगा अंडर रूट करते हैं तो यह हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 ए माइनस एक्स। यहां से साफ देख रहे हैं 5x हो जाएगा 10 ए, यानी x हो जाएगा 2 ए, तो यह x 2 ए हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी 8 ए, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी 8 ए सेंटर तक की, और यह डिस्टेंस ऑलरेडी 2a है सेंटर पर, तो
तो पार्टिकल की इस टू ए डिस्टेंस, इसके सेंटर से लेकर यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या काम करना होगा, यहां तक की बेसिकली इस पॉइंट तक की फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, यहां हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लेता हूं मैं यू टू, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैं लेता हूं यू वन। पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इंटू पोटेंशियल। तो हम एक काम करते हैं यू टू फाइंड करते हैं, यू टू फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा इसके कारण माइनस जी एम अपॉन यह डिस्टेंस एक्स दैट इज इक्वल टू टू ए, यह पोटेंशियल हो गया इस स्मॉल स्फीयर के कारण यहां पर। अब हम यहां से यहां तक भी पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, एड हो जाएगी माइनस जी 16m अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस 8a है, तो 8a यह पोटेंशियल हो गया यहां पर, और मास स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यह इसी तरह से u1 फाइंड करते हैं हम, यहां पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल होगा यहां पर पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल होगा सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस 10a है, यह 2a है, यहां से यहां तक 8a होगी, तो यह हो जाएगा माइनस 6m अपॉन 8a, और प्लस पोटेंशियल स्केलर है, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, यह 2a है तो माइनस 6 13m माइनस जी इंटू 16m डिवाइडेड बाय 2a, यह तो हो गया पोटेंशियल सरफेस पर, और मास एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी जो होगी, सम डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज यू टू माइनस यू वन फाइंड करना होगा हमें, डेल्टा यू हमें फाइंड करना होगा, और यह इक्वेट करना होगा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इनिशियली से। तो आइए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा यहां पर, जी एम अपॉन ए, जी एम अपॉन ए और स्मॉल एम कॉमन ले सकते हैं यहां से हम दोनों जगह से, तो जी एम एम अपॉन स्मॉल ए कॉमन ले लिया हमने यहां से, यह हो जाएगा माइनस टू, यह हो जाएगा माइनस वन बाय टू, तो माइनस टू और माइनस वन बाय टू, यह हो जाएगा माइनस माइनस फाइव बाय टू। सब्ट्रैक्ट करेंगे यू वन का, यू वन क्या है, यह है माइनस एट ए, यह है माइनस वन बाय एट, जी एम एम ए और एम यहां भी कॉमन ले चुके हैं हम, तो माइनस 16 अपॉन टू हो जाएगा माइनस एट, और यह हो जाएगा माइनस वन बाय एट, माइनस एट और माइनस वन बाय एट क्या होगा माइनस 65 बाय एट, यह माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, और इसे इक्वेट करना है वन बाय टू एम, और रिक्वायर्ड इनिशियल मिनिमम स्पीड जिसे हम सपोज यहां पर वी मिनिमम कहेंगे, वी मिनिमम स्क्वायर, तो इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या होगा, एम कैंसिल हो जाएगा यहां से, फिलहाल इससे आइसोलेट रखें, यहां हमने इस इक्वेट करने के बाद एम कैंसिल कर दिया है, और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 65 बाय 8 माइनस, यह प्लस हो जाएगा माइनस 5 बाय 2, यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20 बाय 8, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 20 बाय 8, 65 माइनस 20 दैट इज 45 बाय 8, तो जी एम अपॉन ए 45 डिवाइड बाय 8 will be equal to V minimum square by 2. Simplify करें तो V की value हमें मिलेगी, V minimum की value मिलेगी under root of, यह 2 cancel हो जाएगा, तो यहां भी 4 हो जाएगा, 45 divide by 4 G capital M upon A, यह हमारा required answer हो जाएगा V minimum, इससे आप simplify करें तो 3 root 5 by 2 common हो जाएगा यहां से, तो आंसर हमारा आ गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये आंसर मैं लिख देता हूं आपके लिए फिर से एक बार, 3√5/2 अंडर रूट जी कैपिटल एम अपॉन ए, दिस इज द रिक्वायर्ड वी मिनिमम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप, मुझे उम्मीद है आप काफी कुछ सीखेंगे, तो आइए आगे देखते हैं हम। आईआईटी जेई 2003 की ये प्रॉब्लम है, देयर इज अ क्रेटर ऑफ डेप्थ आर बाय 100 ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, रेडियस आर, मून की रेडियस अगर आर लेते हैं हम, तो वहां पर क्रेटर है आर बाय 100 रेडियस का,
और सेंटर से यदि हाइट देखें तो यह 99 आर बाय 100 हो जाएगी।